जब मेरी बच्ची हुई उसका मुंह भाई ये वाली जगह नहीं थी, बहुत ज़्यादा थी, आँख भी नहीं थी और ये वाली जगह भी नहीं थी। उस वक्त सबसे पहले मैं इसको कम्प्लेक्स में लेके गई। कम्प्लेक्स में लेके गई तो वो जो है ना डॉक्टर साहब ना इसको देखते रहे, फिर उन्होंने मुझे टाइम बताया कि जो है ना 5-6 माह की होगी तो हम इसको जो है ना ऑपरेशन करेंगे। फिर जब वो डेट बताई, मैं उस डेट पे लेके गई तो उन्होंने फिर मुझे आगे डेट बता दी। फिर मैं इसको लाहौर लेके गया, लाहौर वाले डॉक्टर ने देखा, दो दिन हम उधर ही रहे। उधर सारे टेस्ट हुए, सब टेस्ट क्लियर हो गए थे पास। जब उन डॉक्टर साहब ने देखा तो उन्होंने कहा कि ये बहुत बड़ा कट है, ये यहाँ नहीं होगा। ऑपरेशन करने लगे तो कहने लगे हम इसका नहीं कर सकते हैं, ये रिस्क हम नहीं ले सकते हैं। उन्होंने हमें अकबर नियाजी टीचिंग हॉस्पिटल में भेजा। फिर हम इधर आए, इन्होंने चेकअप किया, फिर इन्होंने बोला 1 महीने बाद आ जाएं, सर्जरी कर देंगे। अस्सलाम वालेकुम। ये बच्ची इसबा 6 महीने की एज पे हमारे पास एक हॉस्पिटल से रेफ़र हुई थी। शी इज़ एक्चुअली अ केस ऑफ कॉम्प्लेक्स क्रेनियोफेशियल क्लेफ्ट। राइट साइड पे इसका अपर लिप, होंठ और चीक और नाक सारा कटा हुआ था और खासी ग्रॉस डिफॉर्मिटी थी। माशाल्लाह सर्जरी सही हुई है। फिर मेरी बच्ची अभी सही है। कर्नल एहतशाम-उल-हक साहब ने इसको देखा और जो है ना कर्नल एहतशाम-उल-हक साहब की टीम ने हमारी जो है ना बहुत मदद की। हमने इसको इन्वेस्टिगेट किया जिसमें जनरल वर्कअप है, सीटी स्कैन किया, 3D रिकंस्ट्रक्शन की और फिर हमने पीडियाट्रिक एनेस्थीजिया कवर में इस बच्ची को ऑपरेट किया, विच टुक अबाउट 4 आवर्स ऑफ सर्जरी। हॉस्पिटल का माहौल भी अच्छा है, डॉक्टर्स देखभाल भी अच्छी करते हैं। यहाँ के अस्पताल का जो है ना ये नहीं कि डॉक्टर ही अच्छे हैं, नर्सिंग का जो स्टाफ है वो भी बहुत अच्छा है और बहुत ही अच्छे तरीके से जो है ना हमें ना हैंडल किया है। फिर इसका ऑपरेशन भी बहुत ही अच्छा हुआ है और जो है ना काफ़ी कामयाब ऑपरेशन हुआ है। जो हमारा एम था वो फर्स्ट स्टेप में इसका सॉफ्ट टिश्यू करेक्शन थी। इस बच्ची के अंदर काफ़ी कॉम्प्लेक्स एबनॉर्मैलिटीज़ हैं जिसमें क्लेफ्ट पैलेट भी है, बोनी डेफिशिएंसी है फेस के अंदर। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप में ये प्लान है कि हम इसका क्लेफ्ट पैलेट रिपेयर करेंगे और इंशाल्लाह इसकी चीक का जो बोनी डिफेक्ट है, जो डिप्रेशन है, उसको बोन ग्राफ्ट करेंगे और वंस शी ग्रोज अप तो होपफुली शी विल गेट एन आई प्रोस्थेसिस एंड शी विल बी एबल टू goes to school and join a normal life.